मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। रात वाला व्लॉग मैंने ऐसे ही एंड कर दिया था, थके तो क्या थे मतलब, बट ना याद ही नहीं रहा कि एंड करना है। तो बस ये नया व्लॉग है। तो मैं ना अभी आज बहुत काम है, आज है आदिश का पीटीएम है पहले, तो मतलब आदिश की छुट्टी है। उसके बाद चल झूठा सुबह सुबह इसने केक खाया है, सुबह सुबह उठते ही केक दे दो। मैंने अभी तो फ्रिज से भी नहीं निकाला यार, थोड़ी देर निकाल लेते उसके बाद ले लियो। और किचन संभालना है, ब्रेकफास्ट करने का मुझे लगता नहीं है टाइम होगा, तो जल्दी इसने तो केक खा लिया, मैं अभी नहीं खा रही हूँ मतलब कुछ भी, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग का तो ना बैड बच गया है बट चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करना है, हाँ उसके बाद आके आज ट्यूशन जल्दी बुला ली है क्योंकि मेरी है किट्टी तो किट्टी पार्टी में जाना है, तो इसलिए ट्यूशंस जो है ना वो जल्दी बुला ली, तो वो भी होगा। फिर अगर किट्टी पार्टी में जा रहे हैं तो रात का खाना का भी इंतज़ाम करके जाना पड़ेगा क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी थोड़ा बहुत। पहले हम पीटीएम जा जाते हैं, उसके बाद मैं आके रात का लंच जो डिनर है वो प्रिपेयर कर दूँगी। अब कढ़ी चावल रात को तो खाए नहीं, तो आज खाएंगे। अब आज मैं खा के रहूँगी कढ़ी चावल, तो वो बनाऊँगी। और साथ में फिर शाम को जाना है किट्टी में, तो हो गई। तो बस अभी शुरुआत करते हैं, मैं चले गए ऑफिस और रोहित को टाइम नहीं है, पता नहीं कैसे जाऊंगी मैं यहाँ से इसके स्कूल तक। सोच रही हूँ या तो मैं अपनी फ्रेंड जो है उनको पूछूं, पर मेरे को लगता है उन्होंने भी पूछती हूँ मतलब, या तो उनसे पूछती हूँ या फिर ये होगा कि हम उस दूर तक जाएंगे और फिर वहाँ से इनके स्कूल की बसेस मिलती हैं, मतलब उन्होंने अरेंजमेंट किया होता है, तो या फिर वहाँ से जाएंगे। तो चलो अच्छी बात है, तो चलो चलते हैं, जल्दी से करते हैं पहले तैयारी। ओके जी, तो मैं रेडी हो गई हूँ, बस मैंने ना ब्लू कलर का लाइनर लगाया, लग रहा है ब्लू कलर का लाइनर, डार्क ब्लू एक्चुअली, पेंसिल वाला लाइनर होता है ना वो लगाया। मेरे को पेंसिल वाले से ना बहुत ईजी लग जाता है, तो फिर वो सूखने का टेंशन नहीं, इधर उधर लगने का टेंशन नहीं, जल्दी लग जाता है, तो वो लगाया। और स्मज भी आसानी से हो जाता है, मतलब अगर करना चाहो वो कैसी लुक देना चाहो, क्या बोलते हो उसको, भूल गई मैं, क्या बोलते हो उसको, कुछ था, चल छोड़ परे। बस अब इयररिंग्स डालने को रहे हैं, तो ये वाले आजकल मेरे फेवरेट है आप देख रहे होंगे, मैं हर जगह यही डाल रही, तो मैं बस यही डालने लगी हूँ। एंड ऑल डन, बस। और मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया था, मतलब उन्हीं को बोला लास्ट में, मैंने उनको पूछा कि आपने जाना है, तो वो बोलते हैं हाँ चलना है, और आप भी चल पड़ो साथ में। तो बस फिर आदि भी रेडी हो गया है, और बस अभी हम जा रहे हैं और फिर चलते हैं, और पहले पीटीएम अटेंड करते हैं, फिर आते हैं, फिर एडिट करना है, आज वीडियो डालना है मुझे। तो भाई मैं पहुंच गई हूँ, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ आदिश की पीटीएम में। तो ये रहे मेरे फ्रेंड, हेलो बोलो पहले आप, डॉक्टर अनुपमा, और ये रही हमारी बच्चा पार्टी। आरुष से तो आप मिले हो पहले सब लोग, ये है प्रणवी और वो तो आदि, उसको तो पता ही है ना। तो हम जा रहे हैं अभी स्कूल पीटीएम में, फिर मिलते हैं हम आपको आगे थोड़ी देर में, क्या क्या करना है हमने भी, पता नहीं क्या क्या शिकायतें मिलेगी इन बच्चों की, क्या मिलेंगी, तुम सबकी यही मिलेगी, बात करते बेटा, पता है सबको, पता देखो बच्चों के चेहरों पे स्माइल, बिकॉज हम लोगों ने इनकी बात मान ली है कि हम कहीं कुछ खाने जा रहे हैं। ये और बस अब हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट जगह दयाल स्वीट्स एज यूजुअल, वहीं जाते हैं हम, तो बस अभी जाएंगे। अब यहाँ तक तो आए हुए थे स्कूल तक, तो चलो हमने बोला चल ही बढ़ते हैं अब इनको लेके, और ये आते ही इसीलिए हमारे साथ है मुझे लगता है पीटीएम के लिए कहीं चलेंगे सही में। हम चल पड़े हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना है हमने, और मौसी हम आ गए थे पर्स लेने, और पर्स हमने ले लिया है, और ये बच्चा पट्टी यहाँ पे परेशान हो रही है, और
और भैया की शॉप है यहाँ पे इवन मार्केट में, पर्स की रेंज अल्टीमेट रेंज मिल जाएगी, बहुत सुंदर सुंदर पर्स हैं ये देखो ज़रा, लेके गई हूँ और उनको भी लेके आई थी अपनी फ्रेंड को कि भाई देखो तो बहुत सुंदर है, और आप अगर लेना चाहो तो आ सकते हो यहाँ पे इवन मार्केट। हम मैंने अपना एक कुछ लेना है थोड़ा सा साड़ी के साथ, कुछ ब्लाउज वगैरह लेना है बोले थे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ कि वो गाड़ी लेके आए और हम जाएं यहाँ से, हम क्योंकि वेट कर रहे हैं यहाँ पे, हमने सोचा कौन इतनी दूर जाएगा, वो बोलते मैं ही गाड़ी लेके आती हूँ यहाँ पे, तो बस हम वेट कर रहे हैं। और तो जी हम चल पड़े घर, और धूप है यार बहुत तेज, हालांकि वैसे हम हवा ठंडी चल रही है, और बस अब घर चलते हैं। तो जी हमारा प्रोग्राम बस वही मिल्कशेक बेटा वैसे ही है, हम खा रहे हैं अब कुल्फी, हमारा खाने का मन कर गया कुल्फी, शेड्यूल चेंज हो रहे हैं, कॉर्नर स्वीट्स, हिम कॉर्नर स्वीट्स बहुत फेमस है भाई यहाँ पे। तो जी हम आ गए घर वापस, तो हम अपनी फ्रेंड के घर ही आ गए, वो बोल रहे हैं उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, वो हमें कुल्फी खिला के ही भेजेंगे। तो बस अभी एक बैच हो गया है मेरा ट्यूशन का, और मैंने ना बीच में ना उनको ऐसे ही रखा था ट्यूशन आज कि बीच में ब्रेक मिल जाए मुझे थोड़ा सा, और बस मैं अब जल्दी से बना रही हूँ कढ़ी, और यहाँ पे मैंने ना दही वही ले लिया है, हाँ बस अब जल्दी से प्रिपेयर करते हैं कढ़ी। और वैसे मैंने सोचा मेरे को नींद बहुत आ रही है, मैंने सोचा था थोड़ी देर सो जाऊँगी, लेकिन सोने का टाइम नहीं है, तो मैं कढ़ी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद एक और ट्यूशन आनी है, वो बैच निपटा के फिर देन तैयार होना है, और देन फिर किचन में जाना है। तो फिर जब सब कुछ इंजॉयमेंट करनी है तो फिर करना पड़ेगा ना सारा सारा सारा। तो पहले फुल टाइम नहीं मिला आज मुझे। तो देखो भाई, हेलो हेलो, हम पहुंच गए हैं किट्टी में, तो अंदर किट्टी चल रही है, पहले वहाँ चलते हैं उनको अटेंडेंस देखते हैं अपनी, और फिर आगे चलते हैं। तो बस हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। सो फाइनली आई एम हियर, मैं पहुंच गई हूँ, बहुत आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, और मैंने आपको बताया था कि मुझे किट्टी में जाना है, तो मैं फाइनली पहुंच गई बहुत मुश्किल से, और ये करते, तो बस कुछ काम था थोड़ा पहले मार्केट में बुक किया अब हमने, तो जब घर जा रहे हैं हम, थोड़ा सा सामान लेना था, थोड़ा पनीर वगैरह लेना था, अब कल के लिए भी अब दो छुट्टियाँ हैं, पनीर दूध वगैरह मिलेगा, दही वगैरह मैंने चलो ले छोड़ते हैं, कुछ बनाने के काम आ जाता है, तो बस अब भी बोलिए
वो लेते हैं और बहुत फन किया, बहुत मज़ा आया। मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया, मतलब सीरियसली बहुत मज़ा आया। मैं सबकी बहुत थैंकफुल हूँ सीरियसली, मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं और सीरियसली मतलब सच में। तो चलो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच ऑल और इतनी वंडरफुल मेमोरीज बनाने के लिए। और मैं आपसे जल्द मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। और अगर देखिए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो चलिए ठीक है, बाय।